विश्व के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए उन्नाव जनपद के विधानसभा सफीपुर में राजस्व यज्ञ का विशाल आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस यज्ञ में तरह तरह के मंत्री नेताओं ने पहुंच करके इस कार्यक्रम सफल बनाया हुआ है। और इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य संरक्षक रहे हैं वो देखिए उन्नाव जनपद के विधानसभा के विधायक जो कि बमलाल दिवाकर जी, वो संरक्षक रहे। हम उन्हीं से बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम लेकर के किस तरह कार्यक्रम रखा गया। विधायक जी, राजस्व यज्ञ को जिस तरह से आयोजन किया गया, कितना विशाल आयोजन था, इसमें किन किन लोगों को बुलाया गया? आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारी अपनी विधानसभा सफीपुर विधानसभा में राजस्व यज्ञ का आयोजन 151 कुंडी किया गया। जो यज्ञ आज 5वां दिन था, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हजारों श्रद्धालुओं ने आकर 151 कुंडी इस राजस्व यज्ञ में और आकर पहुंचकर आहुति देने का काम किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भक्त गणों को अवसर मिला है इस राजस्व यज्ञ में आकर आहुति देने का, उनके जीवन में कल्याण हो और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और जिस तरीके का आयोजन यह भव्य हुआ है, इसमें कई माननीय मंत्री जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती शकुन सिंह जी, और हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, और यहाँ ही नहीं हरदोई और सीतापुर के तमाम सारे विधायकगण और सभी लोगों ने, और बाराबंकी, रायबरेली, बहुत जगह से लोग आए और सब ने इस यज्ञ को, यज्ञ में पूजा याचना करने का सबको अवसर मिला। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरती, मियाँगंज की पावन धरती पर यह अवसर आज मिला है। और हम सभी लोग यहाँ के इस आज 5 दिनों से वातावरण भी देख रहे हैं कि बड़ा वातावरण शुद्ध है और सभी लोग बड़ा खुश हैं, और सबको लगता है कि इस आनंद में, जीवन में अगर इस तरीके का सुकून मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। पूरे यज्ञ में लगभग कितने लोगों ने आहुति दी होगी? हम संख्या तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसा कि मेरे संज्ञान में है, करीब 151 कुंड के 4 से 5 राउंड लग रहे थे प्रतिदिन। तो हमको लगता था हजारों लोग प्रतिदिन, लोगों ने यज्ञ किया है, और 5 दिवस में कम से कम 5-6-7 हज़ार लोगों ने यज्ञ की, यज्ञ में सौभाग्यता लेने का अवसर मिला है। जी, जिस तरह से कार्यक्रम आज देखने को मिला है, कल से समापन का दिन है, आज कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 लोगों ने आहुति दी होगी, तो मैं मान सकते हैं कि 5 दिनों में कम से कम 10,000,000 लोगों ने यहाँ पहुँच करके आहुति दी है। बहुत हजारों लोगों ने आहुति दी है, एक अच्छा सा भंडारा चला है, सुबह से शाम तक भंडारे का कार्यक्रम, और आहुति के बाद लोगों ने प्रसवस्था, एक सभी हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आयोजक हैं, उन सब ने सहयोग किया है, सब ने बड़ी मदद की है। और हमारे मुकेश, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी, जो इस पीठ से जुड़े हुए हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से, इनके यही हमारे बड़े भाई भी हैं, इनके मार्गदर्शन में ये यज्ञ अपनी ऊंचाइयों को उसने छूने का काम किया। हमें लगता है इसी तरह के कि यज्ञ अगर सभी लोग करते रहें तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में, हम सभी लोग अपनी शायद गलत कामों जो किए होंगे उनको, उनकी मुक्ति मिलेगी। देखा जाए उन्नाव जनपद में विधानसभा 63 सफीपुर में, यानी कि विधायक जी के संरक्षक में, आप संरक्षक कार्यक्रम के यहाँ पे राजस्व विशाल लेकर आयोजन के, वहीं उन्नाव जनपद विधानसभा सदर में पंकज गुप्ता जी के द्वारा देवकेंद्र ठाकुर जी महाराज कथा का कार्यक्रम रखा गया है, तो इसको क्या देखा, जनता को जोड़ने का प्रयास या हिंदुत्व को सनातन लेकर के? ऐसा है, हम सभी लोग पहले व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, और इस व्यक्तित्व और धर्म के नाते हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब में, जैसा कि अभी मैं अध्यात्म की बात सुन रहा था, कहा गया कि अध्यात्म सुनने हम जाते हैं या किसी के प्रवचन सुनने जाते हैं तो आखिर क्यों जाते हैं? कहते हैं कि लोक कथाएं तो हमको पहले से मालूम है, लेकिन आध्यात्म क्यों सुनने जाते हैं? लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रवचन सुनने जाते हैं तो जो हमारे जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आएं, तो उन विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकलें, इसलिए हमारा उद्बोधन सुनना, लोगों के भागवत को सुनना, भगवत कथा को सुनना, और जितनी भी कथाएँ हैं इनको सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करने का अवसर हमको मिलता है। यही स्वरूप है कि आज हमारे उन्नाव जनपद का सौभाग्य है कि जनपद मुख्यालय पर माननीय विधायक सदर पंकज गुप्ता जी के माध्यम से देवकी नंदन जी की कथा का कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ एक भव्य कार्यक्रम आज हुआ है। हमें लगता है कि उन्नाव जनपद, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि उन्नाव जनपद में 6 की 6 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यानी भगवा पूर्ण रूप से उन्नाव जनपद में लहरा रहा है। उन्नाव जनपद भगवा पूरा लिप्त हो चुका है, लिप्त हो चुका है, तो फिर ये कार्यक्रम तो स्वाभाविक बात है। ये वो विकासखंड है अब विधानसभा से मियांगंज, जिसको माननीय योगी जी ने भी कहा था इसको मायागंज बना कर रखेंगे, तो ये एक बड़ा विषय आ रहा है इस पर। अरे कोई विषय नहीं है, ये तो समय के अनुसार परिस्थितियों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिस सरकार का एक ही एजेंडा है कि कैसे हम गांव गरीब के घर तक पहुंचें, हर गरीब के दरवाजे पर विकास कैसे पहुंचे, यानी घर घर तक सड़क पहुंचाना, हर गरीब को घर देना। आपको मालूम है कि पिछले 5.5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने जिस तरह काम किया है, करीब 44 लाख लोगों को आवास देने का काम, गरीब को छत देने का काम हमारी योगी जी की सरकार ने किया है। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त। आखिरी सवाल, उन्नाव जनपद या विधानसभा पूर्व जनता को पुनः यह शुभ अवसर कब प्राप्त होगा? अब ऐसा है, ये तो माँ गायत्री का प्रताप है, जब वो आदेश करेंगे तो हम लोग फिर समर्पित हो जाएंगे दोबारा। हम लोग तो बैठे ही हैं कि माँ गायत्री का जिस दिन आदेश आएगा फिर हम कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। हम तो ये बात को ध्यान में रखें कि कितने लोगों ने इसमें प्रयास किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हजारों लोग आए हैं, हजारों लोगों ने आहुति दी है, हजारों लोगों ने प्रसाद पाया है, तो कम से कम कितने लोगों का सहयोग इससे जुड़ा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस स्थल पर सभी लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी आयोजन की टीम का, अपने सहयोगियों का, और जितने भी हमारी गुरु जो टीम आई थी हरिद्वार से, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आपके मंच बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर जी थे, जिन्होंने पूरा राजस्व यज्ञ के पूरे कार्यक्रम लेकर पूरा 1 से लेकर 100 तक की गिनती गिनाई, किस तरह कार्यक्रम रखा गया, किस तरह भी हम लोग पहुंचे, किस तरह से बातचीत यहाँ पर हुई, और किस तरह से यहाँ पर जो आहुति दी गई उसको लेकर के अब यह देखना दिलचस्प होता कि अब उस मियांगंज की यानी विधानसभा सभीपुर की जनता को या उन्नाव की जनता को यह पुनः सौभाग्य विधायक जी के संरक्षक में कब प्राप्त होता है। तो आने वाले समय तक राजपा टीवी के लिए कैमरा पर्सन जावेद साथ भानु चंदेल, उन्नाव।